डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फाइनल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने लिथियम व मैग्नीशियम के कार्व धात्विक यौगिकों के बारे में चर्चा की है। आज हम एल्यूमिनियम के कार्व धात्विक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एल्यूमिनियम के कार्व धात्विक यौगिक औद्योगिक स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं। सर्वप्रथम 1865 में एल्यूमिनियम AL तथा Me2HG डाईमेथिल मरकरी की अभिक्रिया से ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम को संश्लेषित किया गया, अर्थात एल्यूमिनियम का प्रथम कार्व धात्विक यौगिक ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम था जिसे संश्लेषित किया गया। एल्यूमिनियम प्रमुख रूप से तीन प्रकार के कार्व धात्विक यौगिक बनाता है, जिनको हम जनरल फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर। तीन प्रकार के कौन कौन से यौगिक हैं? पहले है RnAlX3-N, जहां N बराबर क्या होगा, 1, 2, 3, और ये उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। सेकेंड टाइप के हैं M पॉजिटिव और ब्रैकेट में Al(R4-), जहां R समान या भिन्न कार्बनिक समूह हो सकते हैं। जो R या एल्किल ग्रुप है वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरे हैं एल्किनों के साथ दुर्बल या पाई संकुल यौगिक। इस तरह से एल्यूमिनियम तीन प्रकार के कार्बन धात्विक यौगिक बनाता है। तो हम सिलेबस में डिटेल से एल्यूमिनियम के एल्किल तथा एरिल समूह वाले कार्ब धात्विक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एल्किल और एरिल समूह वाले कार्ब धात्विक यौगिकों को बनाने की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल व एल्किल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। फर्स्ट मेथड है बुकटोन व ओडलिंग विधि। देखो इस विधि में क्या है कि एल्यूमिनियम व डाई एल्किल मरकरी, डाई एल्किल मरकरी क्या हो जाएगा, R2HG की क्रिया से ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम बनते हैं। जिस मेथड से प्रथम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया गया था एल्यूमिनियम का, उसी मेथड को नाम देते हैं बुकटोन व ओडलिंग विधि। तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया R2HG से करवाने पर बन जाएगा R3Al और साथ में क्या निकल जाएंगे, 3 मरकरी के अणु। इसको R की जगह कोई स्पेसिफिक एल्किल ग्रुप लें तो जैसे अभिक्रिया लिख सकते हैं Al+CH3H2 के 3 मॉलिक्यूल लें तो ये बन जाएगा ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। इस तरह से एल्यूमिनियम व डाई एल्किल मरकरी की क्रिया से एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं। सेकेंड मेथड है एल्किल हैलाइड से। एल्यूमिनियम की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाने पर एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनते हैं, जिनकी सोडियम से क्रिया करवाने पर एल्किल एल्यूमिनियम बनते हैं। फर्स्ट में क्या बनेंगे, एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड। सेकेंड टाइप के एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक, जिसकी आगे अभिक्रिया सोडियम से करवाने पर एल्किल एल्यूमिनियम बनते हैं। जैसे Al की एल्यूमिनियम की अभिक्रिया R3X से करवाने पर फर्स्ट स्टेप में बनेगा R3Al2X3, फिर R3Al2X2 की अभिक्रिया सोडियम धातु से करें तो बनता है R3Al+3NaX और साथ में एक एल्यूमिनियम मेटल निकल जाती है। इस तरह से एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया से एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। थर्ड मेथड है ग्रिग्नार अभिक्रमक से या ग्रिग्नार रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार अभिक्रमक RmgX की क्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, AlCl3 के साथ कराने पर क्रमशः एल्किल एल्यूमिनियम डाईक्लोराइड, डाई एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड व ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम बनते हैं, अर्थात इससे मोनो एल्किल, डाई एल्किल और ट्राई एल्किल तीनों प्रकार के यौगिक
बनते हैं। देखो अभिक्रिया क्या होगी, आर एम जी सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री, तो इससे बन गया आर ए एल सी एल टू फर्स्ट स्टेप में। फिर वापस गिरनार अभिकर्मक आर एम जी सी एल से क्रिया करके बनाएगा आर टू ए एल सी एल, फिर वापस गिरनार रिएजेंट से क्रिया करके आर थ्री ए एल। इस तरह से मोनो एल्किल, डाई एल्किल और ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड इस रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कीन से, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ए एल एच थ्री या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एल्कीन के साथ क्रिया से इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम के कार्य धातु यौगिक बनते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें या क्या लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसकी अभिक्रिया एल्कीन से करवाई जाए। जैसे एल्कीन ले सकते हैं हम एथीन, तो इससे करवाने पर एल्किल एल्यूमिनियम बनते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम के कार्य धात्विक यौगिक बनते हैं। जैसे देखो अभिक्रिया ए एल एस थ्री एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया करवाई जाए एथीन से, तो ये बन जाएगा ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। इसी तरह से ले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, इसकी अभिक्रिया एथीन से करवाई जाए, तो इसमें ये बन जाएगा लिथियम टेट्रा एथिल एल्यूमिनियम। अब यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव के रूप में है, तो इसका सही नेम होगा आईपीसी नेम लिथियम टेट्रा एथिल एल्यूमिनेट, कार्बन धातु यौगिक बनते हैं। इस तरह से इन मेथड के द्वारा एल्यूमिनियम के कार्बन धातु यौगिक बनाई जाती है। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो एल्यूमिनियम के कार्बन धात्विक यौगिक लिक्विड या लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड होते हैं, अर्थात ये सॉलिड रूप में होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम, जिसके कारण ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जल व वायु दोनों के प्रति अस्थायी होते हैं, वायु में ऑक्सीकरण से ये जल जाते हैं और जल में इनका क्या हो जाता है, अपघटन, अर्थात वायु में जैसे इनको खुला छोड़ें तो ये जल जाते हैं, और जल उपस्थित हो तो जल से इनका जल अपघटन हो जाता है। अतः एल्यूमिनियम के कार्बन धात्विक यौगिक जल व वायु दोनों के प्रति क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज, सॉरी रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी लिखा हमने कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया से क्या हो जाएंगे, जल जाते हैं। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम, इसकी जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो इससे बन जाएगा एल्यूमिना Al2O3, साथ में जल और CO2। इस तरह से ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से जल जाते हैं। जल के साथ क्रिया से इनका क्या हो जाता है, अपघटन। तो देखो ये जल के साथ क्रिया से क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। तो ऑक्सीकरण से तो ये जल जाएंगे, इसकी क्रिया से क्या बन जाएंगे, जल कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना, और जल में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया। एल्यूमिनियम के कार्बन धात्विक यौगिक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे HCl, ROH, RSH, NHME2 के साथ क्रिया करके एल्केन व सेतु बंध वाले यौगिक बनाते हैं। ये रिएक्शन हमने लिथियम और मैग्नीशियम वाले यौगिकों में भी पढ़ी है कि ये वो भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बना देते हैं। सेम उसी तरह से एल्यूमिनियम के कार्बन धात्विक यौगिक भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ एल्केन बनाते हैं, और साथ में क्या बन जाते हैं, सेतु बंध युक्त यौगिक, अर्थात एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड है वो ब्रिज बॉन्ड वाले कंपाउंड बना देते हैं। तो देखो अभिक्रिया क्या होगी, ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम और ये HCl के साथ क्रिया करके एक तो क्या निकल गया, मेथेन, ये तो बन गई एल्केन, और साथ में CH3 का होल ट्वाइस AlCl। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है वो इस तरह से अरेंज रहता है, CH3 का ऑल्टोइस AL, दोनों ClCl का क्या बन जाता है, ब्रिज, और ये ब्रिज कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया HNME2 से करवाई जाए, तो
तो इससे बन जाएगा देखो सी एस थ्री का ऑल्टो एस ए एल और इससे एन एम ई टू, और इसका जो सी एस थ्री निकला वो एच से क्रिया करके क्या बना देगा मेथेन, और फिर ये भी डाइमर के रूप में रहता है। इस तरह से जो को प्रोडक्ट बनते हैं वो डाइमर के रूप में ब्रिज बॉन्ड से जुड़कर यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लुईस चारों से क्रिया या रिएक्शन विद लुईस बेस। एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या रहता है इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट होने के कारण ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और लुईस एसिड की तरह बिहेव करने के कारण ये लुईस चारों के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इनमें जब साल्ट बनते हैं तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो देखो क्या अभिक्रिया होगी, सी एस थ्री का अल्ट्राइज ए एल एन एम ई टू से क्रिया करे तो ये जो लुईस बेस है वो अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के रिक्त कक्षक को डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है और साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन है ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम ईथर से क्रिया करे तो ईथर के में ऑक्सीजन पर स्थित लोन पेयर इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इसी तरह पी एम ई थ्री ट्राई मेथिल फॉस्फीन ले तो इसमें भी फास्फोरस के लोन पेयर एल्यूमिनियम के वेकेंट कक्षक में इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजक बंध से साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक लुईस बेस के साथ क्रिया करके साल्ट का निर्माण करते हैं जिसमें उपसहसंयोजक बंध बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जटिल यौगिकों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अधिक विद्युत धनी धातु एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिकों से एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देती है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिकों में से एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देती है और जटिल यौगिकों का निर्माण करती हैं। जैसे ट्राइएथिल एल्यूमिनियम ले इसकी क्रिया करवाई जाए सोडियम से तो देखो ये बन जाएगा सोडियम टेट्राएथिल एल्यूमिनेट। इस तरह से सोडियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट रिएक्शन थर्मोलाइसिस या ताप अपघटन। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो क्या बन जाती है एल्केन, और इस अभिक्रिया में ताप की उपस्थिति में होती है तो इसे ताप अपघटन या थर्मोलाइसिस कहते हैं। तो देखो ये बन गया ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इसको जैसे ही गर्म करेंगे इसके ऊपर एरो पर क्या लिख सकते हैं हम त्रिभुज, तो इसके थर्मोलाइसिस से क्या बन जाएगी एल्कीन। तो इस तरह से C2H4 एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, साथ में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस तरह से ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के थर्मोलाइसिस से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एल्काइनों से क्रिया। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम एथाइन या एल्काइन के साथ क्रिया करके योगात्मक अभिक्रिया करती है जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, परंतु यदि हम टर्मिनल एल्काइन लें, टर्मिनल एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड यदि सिरे वाले कार्बन पर स्थित हो, कार्बन चेन के प्रारंभिक स्टेज पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है एक्टिव, और उस कंडीशन में एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया से ये क्या बन गया एल्कीन, परंतु फेनिल एसिड लेन ले जैसे ये क्या हो गया टर्मिनल एल्काइन, तो ये फेनिल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या हो जाता है एक्टिव, जिससे यहाँ का एच निकल के सी एच थ्री से जुड़ के क्या बना देता है सी एच फोर, और बाकी बचा हुआ पार्ट ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़कर एडिशन रिएक्शन दर्शाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है धातु हैलाइडों के साथ क्रिया। एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक एल्यूमिनियम से कम धन विद्युत जिनका जिनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एल्यूमिनियम से क्या हो कम हो, उनके साथ एक्सचेंज अभिक्रिया द्वारा अन्य मेटल के कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। जैसे ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया SiCl4 से करवाई जाए तो क्या बन जाएगा
टेट्रामेथिल सिलेन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात यहाँ पर सिलिकॉन के कार्बन धात्विक यौगिक का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या निकल जाता है, AlCl3। इसी तरह ट्राईएथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया टिन टेट्राक्लोराइड से करवाई जाए तो इससे क्या बन जाएगा, टेट्राएथिल टिन का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या निकल जाता है, AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम अपचायक अभिकर्मक के रूप में क्रिया करे, अर्थात दूसरे का क्या कर दे, ये खुद अपचायक के रूप में बिहेव करेगा तो दूसरे का क्या कर देगा, अपचयन करे और खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण। तो जब अपचायक के रूप में ये बिहेव करें तो वो रिएक्शन है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो फर्स्ट ए टाइप की है, धातु हैलाइड का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाए तो धातु कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, जैसे CrCl3 की अभिक्रिया ट्राईएथिल एल्यूमिनियम साथ में क्या ले, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे बन जाएगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम और साथ में निकल गया C2H5Cl और एल्यूमिनियम निकल जाती है। एल्डिहाइड कीटोन व साइनाइड का अपचयन करवाया जाए तो कीटोन के अपचयन से तो क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, एल्डिहाइड के अपचयन से प्राइमरी एल्कोहल और नाइट्राइल के अपचयन से प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड सी टाइप की रिएक्शन धातु क्लोराइड का अपचयन, कि ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम धातु क्लोराइड के साथ क्रिया करे तो धातु क्लोराइड का ये मेटल व अन्य हैलाइडों में अपचयन कर देता है। जैसे देखो स्पेसिफिक एग्जांपल लें, ट्राईएथिल एल्यूमिनियम और कोबाल्ट क्लोराइड से क्रिया करवाई जाए तो कोबाल्ट क्लोराइड में से क्या निकल जाएगा, कोबाल्ट रिप्लेस हो जाएगा, इसका अपचयन साथ में क्या बन गया, एल्कीन एल्केन और AlCl3 बन जाता है। इसी तरह ट्राईएथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया CuCl से करवाई जाए क्यूप्रस क्लोराइड से तो इसमें CuCl किस में आ गया, Cu+AlCl3 और C2H5Cl। इस तरह से धातु क्लोराइड के साथ क्रिया से धातु क्लोराइड का धातु में अपचयन हो जाता है। यह है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर, तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम बेंजीन विलयन में डाइमर के रूप में पाया जाता है और गर्म करने पर यह डाइमर टूट करके मोनोमर में परिवर्तित हो जाता है और ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, कि जैसे गर्म करेंगे मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा और ताप कम होगा तो ये डाइमर के रूप में रहेगा। तो डाइमर के रूप में क्या रहेगा, CH3 का होल थ्राइस AL लिख रहे हैं अपन, तो डाइमर के रूप में क्या हो जाएगा, CH3 का होल 6 और AL2 और ये किसके साथ, इक्विलिब्रियम में है मोनोमर के साथ। तो देखो ये इसकी क्या होगी स्ट्रक्चर, इसमें जो डाइमर के रूप में है तो इसमें 6 मेथिल यूनिट हैं तो 4 तो किसके टर्मिनल के रूप में रहेंगी और 2 यूनिट जो हैं वो ब्रिज के रूप में रहती हैं और जो टर्मिनल बॉन्ड है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं जबकि जो ब्रिज बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से डाइमर के रूप में 4 जो मेथिल समूह हैं वो तो टर्मिनल के रूप में और 2 मेथिल समूह ब्रिज के रूप में रहते हैं। एरिल यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा रिक्त पी कक्षकों की ओर अतिरिक्त बंध भी होता है, जैसे ट्राई बेंजिल एल्यूमिनियम की श्रृंखला युक्त संरचना होती है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एल्यूमिनियम परमाणु के रिक्त पी कक्षक की फेनिल वलय के CH2 से ऑर्थो स्थिति के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आंशिक बंध बन जाते हैं। जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर है तो ये इसमें क्या रहता है, एरिल यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा रिक्त पी कक्षकों की ओर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन जाती है जिसको डोटेड से दिखा रखा है। इस तरह से इन यौगिकों में बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट इसके उपयोग, कि संक्रमण धातु तत्वों के साथ मिलाकर कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों का उपयोग पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग
पॉलीमराइजेशन के रूप में किया जाता है, जिसका एक पॉलीमर है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। यह होता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, जिसका उपयोग एल्किनों के पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। इस तरह से एल्यूमिनियम के कार्य धात्विक यौगिकों का उपयोग इंडस्ट्री में पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। यह है हमारे एल्यूमिनियम के कार्य धात्विक यौगिक क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियाँ, इसकी संरचना और इसका उपयोग। तो इसका PDF मैंने ग्रुप में आपको सेंड किया है, तो पहले PDF को पढ़कर फिर वीडियो को सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।